Hello children, welcome back to today's music class. As usual, start with prayer. Sit erect, close your eyes, join your hands, get ready for prayer. Vakratunda Mahakaya and Gurura Brahma Gurura Vishnu. Ready? Vakratunda Mahakaya कोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ॐ शांति 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 स्लोली ओपन योर आई वेरी गुड जैसे कि मैंने लास्ट पीरियड में आपको राग भूप के बारे में सिखाया था इस पीरियड में भी हम राग भूप के बारे में ही सीखने वाले हैं लास्ट पीरियड में हमने राग भूप की इंफॉर्मेशन देखी थी फिर से एक बार देखो स्क्रीन पे राग भूप कहाँ से स्टार्ट होता है किस थाट से आता है फ्रॉम कल्याण थाट इसमें कौन से सुर वर्जित है वर्जित स्वर म एंड नी कौन से स्वर वर्जित है म और नी आरोह देखो इसका क्या होता है सा रे ग प ध सा सा ध प ग रे सा इसमें कौन से सुर नहीं है म और नी लेकिन ये सुर उन्हीं के जगह पे है सिर्फ हमने क्या किया है ग से प तक जंप किया है म को बीच में वैसे ही रखा है लेकिन म का साउंड हम नहीं ले रहे इसलिए ग से डायरेक्टली प पर हम जंप करने वाले हैं तो ग से प का जो साउंड कैसे आता है ग प ग यहाँ पे म है लेकिन उसका साउंड हम नहीं ले रहे ग प सा रे ग प ग सारे ग म प एज यूजुअल सात सुर ऐसे है लेकिन सारे ग म ग प जो ग का स्थान है जो ग का प्लेस है वैसे ही है म का प्लेस वैसे ही है और प का ही प्लेस वैसे ही है सिर्फ उनका साउंड जो प्रॉपरली आना चाहिए उस पर ध्यान दो ग प ग म प ग प इस तरह से ये आरोह अवरोह है इसमें कितने सुर आते हैं पांच सुर सी सा रे ग प ध साइज वो सप्तक का सा है सा रे ग प ध सा सा ध प ग रे सा प्रैक्टिस करनी है आरोह अवरोह विथ हारमोनियम रेडी वन टू थ्री स्टार्ट सा गाना है
वेरी गुड। नेक्स्ट, अब हम लास्ट पीरियड में हमने राग भूप में ही अलंकार की प्रैक्टिस की थी, फिर से एक बार अलंकार की प्रैक्टिस करेंगे। सी सा सा रे रे ग ग प प ध ध सा सा ध ध प प ग ग रे रे सा सा। रेडी, एक बार स्वर में एक बार आकार में। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। सा सा रे रे ग ग प प ध ध अलंकार। सा रे रे ग ग प, अब यहाँ पे म नहीं आएगा। सा रे रे ग ग प प ध ध सा सा ध ध प प ग ग रे रे सा। रेडी, एक बार मेरे साथ एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है, एक बार नोट्स में स्वर में और एक बार आकार में गाना है। रेडी, सा रे रे ग ग प प ध ध सा सा ध ध प प ग ग रे रे सा गुड। नेक्स्ट अलंकार। सारे ग वही अलंकार है, सिर्फ ध्यान देना है राग भूप के अलंकार। अलंकार पैटर्न्स एक जैसे ही है। सी, एक बार मेरे साथ, फिर आकार में, एक बार स्वर में और बाद में आपको गाना है। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। सा रे ग रे ग प ग प ध प ध सा ध प ध प ग रे ग रे सा। आ, 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 आ,
तार में, सरगम गीत। आज हम सीखने वाले राग भूप का सरगम गीत। सरगम गीत मीन्स स्वर मालिका। स्वर मीन्स नोट। इट इज अ कंपोजिशन ऑफ कंसिस्ट्स ओनली द नोट्स। जो नोट्स होते हैं सारे गम पद जो हमने सीखा है, अब हम आज देख रहे हैं सरगम गीत भूप राग का। सी, इट इज अ कंपोजिशन दैट consist only of notes and no lyrics. इसमें कोई words नहीं होते. It is based on a particular राग and set to a rhythmic pattern. अब इसमें क्या है कि जो भी स्वर होते हैं, आज हम राग भूप सीख रहे तो राग भूप के ही notes आएंगे उसमें, उसमें दूसरे notes. अब राग भूप के notes means उसमें क्या है, सारे ग प ध स। अब इन सारे ग प ध स को इस तरह से उसका पैटर्न बनाया जाता है और उसमें वो रिदमिक पैटर्न में जो रिदम होता है, जैसे हमने सीखा है ताल त्रिताल, इस ताल त्रिताल में ही ये जो स्वर सरगम गीत है इनको कंपोजिशन कंपो त्रिताल में ही ये जो सरगम गीत है इनको बनाया जाता है। अब देखना है, मैंने आपको ताल त्रिताल सिखाया है, आपको त्रिताल प्रॉपरली आता है, और ये जो सरगम गीत है ये मैं आपको अभी सिखाने वाली हूँ। फर्स्ट पहले सुनो, फिर मेरे साथ गाने की कोशिश करो, फिर बाद में ताल त्रिताल में इसको आपको गाना है। देखो सरगम गीत, इसमें सिर्फ नोट्स होते हैं, मतलब सुर होते हैं, जो भी स्वर हमने राग भूप के सीखे हैं वही होते हैं, और इसमें कोई वर्ड्स नहीं होते, शब्द नहीं होते, और ये किस में होता है, ताल में बंधित होता है, ताल के साथ होता है। सी, ग प ग रे सा रे ध सा, ग ग रे ग प ध, इसको सरगम गीत कहते हैं। आपको मेरे बाद गाना है, पहले सुनना है प्रॉपरली। सी, हम स्टार्ट कर रहे हैं ग से, राग भूप, राग भूप के स्वर है सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा। सी सरगम गीत, पहले सुनना है फिर मेरे बाद गाने की कोशिश करनी है। Ready? Ga pa ga re. Gao. Sa re dha sa. Ga ga re. Ga pa dha. Phir se. Ga. फिर से ग प ग रे
ध्यान दिया होगा कि ये जो सुर है, अब हम जो सुर गा रहे हैं इसमें कौन से सुर नहीं है? म और नी नहीं है। ये जो सुर है ये पूरे राग भूप के ही स्वर है, और इसमें जो ऑक्टिव सप्तक हम यूज कर रहे हैं वो मंद्र और मध्य सप्तक यूज कर रहे हैं। देखो दोनों सप्तक में हम गा रहे हैं, सारे ग प ग रे सारे ध सा। ये जो ध आता है ये मंद्र सप्तक का ध है। फिर से ग प ग रे सारे ध सा, इसके आगे के लाइन आई होप कि ये आपकी समझ में आ रहा है। फिर से हम एक बार प्रैक्टिस लेने वाले हैं। आगे की लाइन ग ग रे ग प ध सा ध सा ध प ग रे सा रे गा रहे मंद्र और मध्य सप्तक में। फिर से एक बार हम प्रैक्टिस करेंगे। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। ग प ग रे सा रे ध सा,
रे सा ध प सा सा ध प ग रे सा रे ग प ध सा 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 रे ग रे सा रे ध सा ग प ध सा 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 रे ग रे सा रे ध सा ग रे सा ध रे सा ध प सा सा ध प ग रे ध्यान दिया होगा कि अब हमने क्या किया मध्य और तार सप्तक में जो सेकंड जो थर्ड लाइन थी वो मध्य और तार सप्तक में हमने प्रैक्टिस की है। देखो ग प द सा 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 रे ग रे सा रे ध सा सारे गरे है ये कौन से सप्तक में आता है तार सप्तक मतलब के सरगम गीत में तीनों सप्तक यूज किए जाते हैं तीनों सप्तक में ये सरगम गीत गाया जाता है। फिर से ध्यान दो फिर से एक बार स्टार्टिंग से हम प्रैक्टिस करेंगे रेडी मेरे साथ एक बार और बाद में आपको फॉलो करना है रेडी ग प ग रे सा रे ध सा ग ग रे ग प ध ग प ग रे सा रे ध सा ग ग ग रे ग प ध सा ध ग ग रे ग प ध सा ध सा ध प ग रे सा रे ग ग प ध सा 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 रे ग रे सा रे ध सा ग रे सा ध रे सा ध प सा सा ध प ग रे सा रे ग रे सा ध रे सा ध प सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग रे सा रे ध सा ग ग ग रे ग प ध सा ध सा ध प ग रे सा रे ग प ग रे सा रे ध सा ग ग रे ग प ध ग प ध सा सा
ग प ग रे सा रे ध सा ग प ग रे सा रे ध सा ग ग रे ग प ध वेरी गुड आज हम सरगम गीत के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली है नेक्स्ट पीरियड में हम और इसके बारे में सीखेंगे अभी जैसे मैंने आपको दो लाइन के बाद फिर से ग प ग रे मैंने गाया है ये क्यों और कैसे आता है ये मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में सिखाऊंगी अभी तक के लिए इतना ही आप घर में प्रैक्टिस करो सेफ रहो सुरक्षित रहो थैंक यू